कहलगांव के एएसपी दिलनवाज अहमद के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह के 9 सदस्यों को दबोच लिया और गिरोह की विभिन्न इलाकों से चुराई 9 बाइकें, 8 मोबाइल, फर्जी कागजात और मास्टर चाबी बरामद की है। एसएसपी आशीष भारती रविवार देर शाम पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको पुलिस की बड़ी कामयाबी बताई है। साथ ही एसएसपी ने बताया कि घोघा थानेदार राजेश कुमार शिव नारायण, एसएचओ मनोज कुमार सनोला थाना के प्रभारी ब्रजेश कुमार समेत गिरोह दबोचने में सहयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं सिपाहियों को पुरस्कृत किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि इस गिरोह का जाल झारखंड के दुमका और बिहार के पूर्णिया, खगड़िया और भागलपुर जिले में फैला है और ये ज्यादातर अपाची जैसी आरामदायक एवं तेज रफ्तार वाली बाइकों को ही चोरी के लिए निशाना बनाते हैं। बरामद 9 मोटरसाइकिलों में 6 अपाची हैं। इतना ही नहीं, यह गिरोह चोरी की गई बाइकों के कागजात भी स्कैन कर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन तैयार करने के माहिर हैं। एसएसपी के मुताबिक गिरोह में दबोचे गए ज्यादातर भागलपुर जिले के जगदीशपुर और सजोर के बासिंदे हैं। इनकी शिनाख्त जयंत कुमार, आशीष कुमार, पंचम कुमार, रोहित कुमार, बादल कुमार, विजय महतो, सुमित कुमार, धर्मेंद्र कुमार और राहुल कुमार के तौर पर हुई है। इनसे गहन पूछताछ पुलिस कर रही है। सनमार्ग के लिए भागलपुर से सोनू की रिपोर्ट। गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा सबसे पहले घोघा थाना क्षेत्र से 4 मोटरसाइकिल चोरों को 4 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके निशानदेही पे 5 अन्य मोटरसाइकिल 5 अन्य उस गिरोह के सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर के इस मामले में 9 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है तथा 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यह इसमें जो मुख्य बात है कि ये लोग सिर्फ अच्छे और जो लग्जूरियस जो मोटरसाइकिल्स होते थे उसकी चोरी करते थे। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।